अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल फेम रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। लीशिया स्टाइल चिकन स्प्रेड की रेसिपी बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं आप। इसे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, बिना प्रिजर्वेटिव्स के घर पर आसानी से एक महीने तक रख के खा सकते हैं। बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी ये परफेक्ट रेसिपी होगी, बहुत पसंद आएगा उनको। जैसे आपने कुक विद फेम चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसे भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा आसान मजेदार रेसिपीज लेके आती रहूंगी। लीशिया स्टाइल चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम सैंडविच का जो स्प्रेड होता है उसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम चिकन। चिकन के पीसेस देखिए छोटे साइज में कट कर लें, बोनलेस चिकन है ये। इसमें डालिए 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख दें। अब बाउल में 1 ग्लास भर के पानी ले लें। इसमें डालिए 12 लाल सूखी मिर्च, 1 हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च आधा टीस्पून, 15 लहसुन के कलियां, 20 ग्राम अदरक, 1 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर। इसे पानी में ऐसे ही रख दें आधे घंटे के लिए। बेहतर है अगर आप ये पानी थोड़ा सा गर्म लें। आधे घंटे के लिए सोक करने के बाद इसी पानी में इसे बॉईल कर लें 5 मिनट के लिए। फ्लेम को पहले 1 मिनट के लिए हाई पे रखिए, उसके बाद 4 मिनट के लिए मीडियम पे इसे बॉईल करें। अब नेक्स्ट एक पैन में 1-2 टेबलस्पून तेल अच्छे से गर्म कर लें। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम चिकन डाल देते हैं। चिकन डाल के चिकन को हमें अच्छे से फ्राई करना है। चिकन ड्राई होने तक हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे से फ्राई करते जाइए। अच्छे से फ्राई हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें और इसे प्लेट में निकाल लें। इसे अच्छे से बॉईल करने के बाद इसे ठंडा करके पीस लें। 3 टेबलस्पून दही के साथ पीसिए ये टमाटर लाल सूखी मिर्च को। पिसा हुआ पेस्ट अब रेडी है, इसी पैन में डाल दें। इसे डालने के बाद इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है ताकि इसमें जो अदरक लहसुन है उसकी खुशबू चली जाए। इसमें हमें 2 टीस्पून भर के शक्कर डालना है और थोड़ा सा नमक। इसे अच्छे से पकाते जाइए। इसमें हमें 1 बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज भी डालना है। आप चाहे तो इसे पहले भी डाल सकते हैं या इस वक्त भी, आपकी मर्जी। लेकिन प्याज को भी इसी के साथ बहुत अच्छे से पकाना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये तो अच्छे से ड्राई हो चुका है, देखिए इस तरह से इसे हमें अच्छे से पकाना है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा बटर डाल दें 1 टीस्पून जितना, इसे भी मेल्ट कर लें इसी के साथ। बटर मेल्ट करने के बाद इसमें ये पानी डाल दें जो बॉईल करके बचा हुआ था वो पानी। इसे डाल के फ्लेम को हाई पे रख के फिर से पका लें। अगर आपको ये ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो लाल मिर्च की क्वांटिटी कम कर दें, हरी मिर्च स्किप कर दें, ना डालें। स्पाइसी पसंद तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। पानी डाल के फिर से थोड़ा सा पकाइए। 1-2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल दें, डाल के मिक्स कर लें। एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाने के बाद अब फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे चिकन इन मसालों के साथ पकने दें ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और ये मसाले भी चिकन के अंदर एंटर हो जाए और चिकन टेस्टी बन जाए। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है।
अब फ्लेम बंद कर दें और इसे एक बाउल में निकाल के रख लें। इसे एक बाउल में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लें। इसमें एक टीस्पून भर के मिक्स्ड हर्ब्स डालिए, दो टीस्पून विनेगर यानी सिरका मिक्स कर लें। मुझे नमक कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप चाक के डाल सकते हैं। मिक्स कर लें। इसे ठंडा करने के बाद इसमें मेयोनेज़ डाल दें, ये तंदूरी मेयोनेज़ है, आप चाहें तो प्लेन व्हाइट मेयोनेज़ भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। दो से तीन टेबलस्पून डालिए, डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही ज्यादा क्रीमी और डेलीशियस लीशियस स्टाइल चिकन सैंडविच स्प्रेड तो रेडी है। अब सैंडविच की तैयारी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़े से ब्रेड के स्लाइसेस। एक ग्रिल पैन अच्छे से गरम कर लें और इसमें ब्रेड के स्लाइसेस टोस्ट कर लें। देखिए इस तरह से कर लें। अगर ग्रिल पैन ना हो तो नॉर्मल पैन में भी आप कर सकते हैं। ब्रेड को इस तरह से टोस्ट करने के बाद अब हम स्प्रेड लगा देते हैं। इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें ब्रेड के ऊपर। बहुत ही ज्यादा यम्मी होता है ये, बच्चों को क्या बड़ों को सभी को पसंद आएगा। शाम में एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप टिफिन बॉक्स में भी बच्चों को बांध के दे सकते हैं। इसे बना के एक एट और सबसे अच्छी बात ये है कि एक महीने तक रेफ्रिजरेटर में रख के आप खा सकते हैं, खराब नहीं होगा। ज्यादा एक किलो चिकन में भी आप इसे बना सकते हैं और रख लें। सिर्फ ब्रेड के साथ सैंडविच की तरह ही नहीं, एक रोल की तरह रोटी के ऊपर लगा के भी आप खा सकते हैं। लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा यम्मी और डिलीशियस हमारा सैंडविच। इस तरह से एक बोतल में डाल के रेफ्रिजरेटर में रख दें। कमेंट में जरूर बताएं मजेदार डिलीशियस स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो, इस वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ चैनल फेम रेसिपीज एंड व्लॉग्स भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही आसान होममेड झटपट बनने वाले रेसिपीज लेके आती रहूँगी और साथ में व्लॉग्स भी।